हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर शी नाम का वेब सीरीज देख लिया है। इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में है आदित्य पोहनकर। अब मैं क्या बताऊँ यार इस वेब सीरीज के बारे में। द गुड थिंग अबाउट दिस वेब सीरीज इज आदित्य एंड हर ब्रिलियंट एक्टिंग। शी इज सिंपली सुपर्ब यार, वेरी वेरी गुड। अनफॉर्चुनेटली शी इज द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस सीरीज यार। द राइटिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले इज अ मेजर लेट डाउन। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, स्पेशली राइटिंग यार। जिस तरह से स्टोरी को उन लोग ने लिखा है ना यार, पॉइंट ए पे स्टोरी चालू होकर जब तक पॉइंट बी पे पहुंचता है ना, वो कुछ और ही बन जाता है। स्पेशली वो जो क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट दिखाया है, मतलब वो देखकर आप पूछोगे क्या हो रहा है यार, और ये क्यों हो रहा है यार। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया राइटर एक्चुअली बनाना क्या चाह रहा था। क्या वो एक इरोटिक थ्रिलर बनाना चाह रहा था, या क्या वो एक स्पाई थ्रिलर बनाना चाह रहा था, या फिर क्या एक सिंपल चोर पुलिस की कहानी बनाना चाह रहा था। अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि ये सारे चीज़ें मिलाकर जो बना है ना, वो एक खिचड़ी बन के निकला है यार। ऐसा खिचड़ी जो न देखने में न चखने में मज़ा आएगा आपको। अब टू बी फेयर, द स्टोरी स्टार्ट्स ऑफ वेल। एक अच्छा, एक एंगेजिंग प्रिमाइस पे स्टोरी चालू होता है। पुलिस तलाश में है नायक का। नायक इज सपोज टू बी अ बिग गैंगस्टर। अब नायक को पकड़ने के लिए पहले उनको पकड़ना पड़ेगा उसके राइट हैंड मैन को, दैट इज सस्या, प्लेड बाय विजय वर्मा। तो सस्या तक पहुंचने के लिए पुलिस एक हनी ट्रैप बिछाता है, और उस हनी ट्रैप में पुलिस यूज करता है एक पुलिस वुमन को, प्लेड बाय आदित्य पोहनकर, और आदित्य पोहनकर को उन लोग एक प्रोस्टिट्यूट बना के बेचता है टू एंट्रैप सस्या। तो सस्या फंस जाता है आदित्य के जाल में, और फंसने के बाद पुलिस घेर कर उनको अरेस्ट कर लेता है। यहाँ तक तो कहानी ठीक था, अच्छा था, एंगेजिंग था। अब इसके बाद जो कहानी आपको बताया जाता है ना, वहाँ से डाउनफॉल चालू होता है शी वेब सीरीज़ का। मतलब यार, आप सस्या को पकड़ते हो, एक क्रिमिनल को पकड़ते हो, उसको इंट्रोगेशन के लिए लेके आते हो। वहाँ पर क्रिमिनल, दैट इज सस्या, डिमांड्स दैट ही शुड बी आस्ड एंड इंट्रोगेटेड ओनली बाय द लेडी कॉप हु ट्रैप्ड हिम बाय पोजिंग एज द प्रोस्टिट्यूट। सरप्राइजिंगली पुलिस अग्री टू हिज डिमांड, और यहाँ से वो डाउनफॉल चालू होता है यार। और जिस तरह से पुलिस ट्रीट किया है ना सस्या को उनके कस्टडी में, ऐसा लगता है यार सस्या पुलिस का दामाद है यार। और थोड़े बहुत एपिसोड्स के बाद उन लोग सस्या को छोड़ भी देते हैं, रिलीज करते हैं, बट एक वार्निंग के साथ, यार हमेशा निगरानी रहेगा तेरे पर। मेरे को ना ये जो राइटिंग है और जो थॉट प्रोसेस है बिहाइंड राइटिंग सच अ प्लॉट, वो बिल्कुल समझ में नहीं आया यार। मतलब ना समझ में आया ना बिल्कुल जमा वो मेरे को यार। It really didn't echo inside my heart, that particular thought process of this particular plot. अब आदित्य पोहनकर के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। शी इज सेक्शुअली रिप्रेस्ड, और उनको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म होना है। जब ट्रांसफॉर्म होते हैं प्रोस्टिट्यूट में, उनको वो सेक्शुअल एग्रेशन और वो एक्स्ट्रोवर्टनेस लेकर आना है। अब जब वो सेक्शुअली रिप्रेस्ड से थोड़ा बहुत सेक्शुअली एग्रेशन उनके अंदर आ जाता है, तो शी ट्राइज टू टेस्ट हर सिडक्टिव एबिलिटीज ऑन रैंडम मैन। ये राइटिंग भी मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया यार। ये थॉट प्रोसेस क्या था? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहाँ पर आदित्य का कैरेक्टर सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं कैंटीन वाले को। यार क्यों ऐसे सब सीक्वेंसेस लिखना है? मतलब किसी रैंडम मैन को भी मतलब सेड्यूस करने की कोशिश करेगी वो, जस्ट बिकॉज शी हैज गॉट दिस न्यू फाउंड सेक्शुअली अग्रेसिव ट्रेट इनसाइड हर। इट रियली डिडंट गो डाउन वेल विथ मी। एंड ऐसे सब सीक्वेंसेस आप जब देखोगे ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो थोड़ा टिटिलेटिंग लगता है यार, क्योंकि वो स्टोरी में फिट नहीं बैठता बराबर से। एंड आई थिंक ऑल दिस सीक्वेंसेस कुड हैव बीन रियली रियली अवॉइडेड। वो प्लॉट में नेसेसरी नहीं था यार, नॉट नेसेसरी एट ऑल। और अजीब ना मेरे को क्लाइमैक्स लगा। क्लाइमैक्स में जिस तरह का ट्विस्ट होता है ना यार, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि क्लाइमैक्स आउट हो जाएगा, लेकिन वो ट्विस्ट देखकर यार आपको बिल्कुल जमेगा नहीं। क्योंकि जो पॉइंट ए पे जो स्टोरी बताया है यार, पॉइंट बी तक पहुँचते पहुँचते यार आप सीधा आओ ना पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, सीधा चला के लेके आओ गाड़ी को। क्यों काली पीली का ट्विस्ट और टर्न कर दे और एक्सीडेंट हो जाएगा। लेट से जो क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट दिखाया है, उस ट्विस्ट में एक अंडरलाइंग मीनिंग भी है, और वो ट्विस्ट के भीतर और एक ट्विस्ट है जो शायद बाद में जाके रिवील होता है यार। अगर वैसा होता है ना, तो ये खिचड़ी और भी बेकार एक खिचड़ी बनेगा यार। इट्स एज सिंपल एज दैट।
नॉर्मल रखना चाहिए स्टोरी को यार, एक पर्टिकुलर जॉनर पकड़ना चाहिए, इरोटिक थ्रिलर तो इरोटिक थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर तो स्पाई थ्रिलर यार, तो ही वो एंगेजिंग बनेगा। एक सिंपल एग्जाम्पल है यार जो नीरज पांडे ने बनाया स्पेशल ऑप्स यार, सिंपली सुपर्ब बनाया, बिकॉज यार जो चाहिए था वो डिलीवर किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ट्विस्ट और टर्न है लेकिन दैट इज नेसेसरी टू द स्टोरी एंड दैट इज वॉट मेक्स दैट स्टोरी एंगेजिंग ऑल्सो। जब आप ऐसे एक ट्विस्ट लाते हो जो पूरा स्टोरी को पलट देता है ना, जो मतलब हेड को टेल बनाता है, टेल को हेड बनाता है, तो फिर वो मजा नहीं आता है देखने के लिए यार। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस सीरीज कॉल्ड शी यार। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस के बारे में यार। आदिति के परफॉर्मेंस के अलावा मेरे को और किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। एंड एंड एक्चुअली दिस सीरीज बिलोंग्स ओनली एंड ओनली टू आदिति ऑल्सो, एंड शी इज कैरीड इट ऑफ रियली वेल यार। वो जो सेक्सुअली रिप्रेस्ड वुमेन है, शी इज प्लेड दैट वेल। वो ट्रांसफॉर्मेशन इंटू अ सेक्सुअली अग्रेसिव यू नो एक्सट्रोवर्टिश प्रोस्टिट्यूट, वो भी अच्छा दिखा है। हु इज़ स्टिल वल्नरेबल, वो वल्नरेबिलिटी जो उन्होंने दिखाया है ना उनके चेहरे पे थ्रू हर इमोशंस, काबिले तारीफ है यार। प्लस वो जो डायलॉग डिलीवरी है विद दैट डायलेक्ट, सुपर्ब यार, वेरी वेरी गुड। उनके अलावा द ओनली एक्टर दैट आई लाइक्ड इन द सीरीज इज द गर्ल हु प्लेड आदित्य सिस्टर रूपा। उनका रियल नाम आई थिंक शिवानी, शिवानी है। अच्छा एक्टिंग किया है उन्होंने यार, बट बाकी देर वॉज नो वन एल्स वर्थ मैंशनिंग। ओ यस, एक पुलिस ऑफिसर है जो मात्रे नाम का कैरेक्टर उनका, उनका रियल नेम तो मुझे मिला नहीं है, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था बट आई कुडन फाइंड हिज रियल नेम, बट ही हैज़ ऑल्सो एक्टेड वेरी वेल यार। अदरवाइज यार बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आया यार किसी और एक्टर्स का। विजय वर्मा इज़ अ गुड एक्टर बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को उनका काम उतना मज़ा नहीं आया इसमें यार, बहुत ठंडा लगा उनका, उनका उनका कैरेक्टर ही ठंडा था, उनका एक्टिंग भी वो कैरेक्टर्स के हिसाब से काफ़ी ठंडा लगा यार, मज़ा नहीं आया मेरे को। ऑल्सो वन मोर थिंग, जिस तरह से पुलिस को दिखाया ना इन्होंने टुवर्ड्स द लेटर एपिसोड्स, चौथे पांचवे एपिसोड में जब तक पुलिस का जो रोल आता है ना वहाँ पर, बहुत इनकॉम्पिटेंट, लाचार, हेल्पलेस लगता है यार। सिक्स्थ सेवन्थ एपिसोड में पुलिस हैव नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग यार, तो क्यों ऐसे लाचार टाइप ऑफ पुलिस मशीनरी दिखाने का यार। इट रियली डजेंट मेक यू फील गुड एट ऑल यार एज एन ऑडियंस यार। यू वॉन्ट सी समथिंग एंगेजिंग इंस्पायरिंग जहाँ पे आपको लगे भैया हाँ यार पुलिस है, गैंगस्टर को चेज़ कर रहा है, गैंगस्टर थोड़ा टफ दे रहे लेकिन फिर भी पुलिस हॉट ऑन हील्स है एंड पकड़ लेगा यार, कुछ ऐसा एक सीक्वेंस बना देते ना यार मज़ा आता था। लेकिन यहाँ पे पुलिस लुक लाइक अ बंच ऑफ इनोसेंट स्कूल बॉयज यार, हु हैड एब्सोल्युटली नो क्लू ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट यार। तो वो राइटिंग का ही दोष है, ऐसा राइटिंग बिल्कुल चाहिए नहीं था। एंड प्लस देर आर मेनी सीक्वेंसेस जो आप प्रेडिक्ट कर पाओगे होगा क्या। फॉर इंस्टेंस एक सीक्वेंस है जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है जिनका नाम है जेसन फर्नांडस, प्लेड बाय विश्वास किनी, ये लेके जाते हैं आदित्य को एक बार में। वो बार में इसलिए लेके जाते ताकि वो टेस्ट कर सके कि आदित्य कितना मतलब आउट गोइंग है, कितना डेयरिंग है, कितना बोल्ड है। तो आपको मालूम है यार उधर कुछ तो गड़बड़ है, एंड एक्चुअली प्रेडिक्ट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग यार, सो इट लुक्स ऑल प्रेडिक्टेबल। एनीवेज सीजन टू अब आएगा तो क्या क्या होगा उसमें, आई एम नॉट वेरी होपफुल ऑल्सो यार, बिकॉज सीजन वॉज वन फॉर मी वॉज वेरी वेरी ठंडा। आई विल गिव दिस सीरीज 2 स्टार्स एंड 2 स्टार्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आदित्य इज़ ब्रिलियंट एक्टिंग। नहीं तो फिर स्टोरी एंड राइटिंग एंड कॉन्सेप्ट डिंट रियली रिंग अ बेल विथ मी यार, सॉरी। फॉर द मोमेंट दिस सोनू साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड वाला, बट यस प्लीज स्टे इंडोर्स यार, बाहर मत जाना, कोई शी को देखने है, ही को देखने है, बिल्कुल मत जाना। घर बैठना, चालू करो वेब सीरीज, देख डालो जो भी आपको देखना है, मैं तो रिव्यू करते रहूँगा। बट या स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय।